गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? सब अच्छे हो गए? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आई हूँ फॉरेन से, बस हो गया। सो गाइस हम जा रहे हैं कमला नगर क्योंकि हम मिलने जा रहे हैं अपने किसी फ्रेंड से, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे ही कोलैबोरेशन फ्रेंड है, मतलब उनका शॉपिंग पेज है और उनका हमने आज तक कोलैबोरेशन ही करा है बट मिलेगा भी नहीं है। सो आज हम जा रहे हैं मिलने, वो बनारस से आई है। बनारस रहती है वो, अभी दिल्ली आई है तो हम जा रहे हैं मिलने। सो गाइज पता नहीं और कौन कौन आ रहा है। हिना आ रही है, हिना का पता है हमें। हिना आ रही है, कशिश आ रही है। क्या हो गया तेरे को? गुटका थूक अपना। अरे एक मिनट, तो गाइज हिना आ रही है, मैं आ रही हूँ, कशिश आ रही है, पर हमें छोड़ने जा रहे हैं। हम लोग पहले इसलिए आ गए क्योंकि बहन ने कहा है कि रीजू तब तक हमें शॉपिंग करा देंगे, तो इसलिए हम थोड़ा रीजू का खुद का कच्चा फटा बड़ा रीजू शॉपिंग कराएगा। ये सब ब्लॉग में बतानी जरूरी थी तुझे? रीजू खुद कर्जा कर्जा हुआ पड़ा है, कच्चा में छेद हो गई कई। सो गाइस चलो चलते हैं कमला नगर, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस यस आप, मैं मिल रही हूँ यहाँ से आप लोगों को। वैसे हम लोग कमला नगर पहुँच गए हैं, अपनी आउटफिट्स वगैरह हम आपको जाके दिखाएं। निशी देख, तेरी ड्रेस से मैचिंग का मेरा हाथ का बैंड। और बाकी गाइस हम लोग कमला नगर पहुँच ही गए, वैसे मिलना हमें मैंने तो हाँ एक बात बोल लूँ हाँ। किसे बताएगी तो ना? तो व्लॉग बन रहा है। अच्छा गाइस किसी ने सुना तो नहीं? कमला नगर पहुंच ही चुके हैं एंड अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं चांदनी से। चांदनी जो की है जून बेरी ऑफिशियल, उनका पेज है। वैसे प्रेरणा ने आपको अपनी भाषा में बताया ही था बट नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ। मैंने बोला था बट मैकडी चलते हैं बिकॉज मुझे मैकडी जाना पसंद है KFC से ज्यादा और मॉल जाने से भी ज्यादा, बट इन लोगों ने डिसाइड किया मॉल चल रहे हैं, वहाँ थोड़ा घूम भी लेंगे, खा पी भी लेंगे, इंजॉय भी कर लेंगे, रील्स वगैरह भी शूट हो जाएंगी। सो मैंने कहा चलो हाँ ये भी ठीक है, तो मिलते हैं गाइस चलो बाय बाय। हम लोग पहुंच गए बट हम जा ही रहे थे यार, भीड़ तो बहुत ज्यादा, वैसे हम लोग जा ही रहे थे तो इतने में ना बीना आंटी हमें दिख गई और बीना आंटी शॉपिंग कर रही थी आज मार्केट में, तो जीजू को कह रही यार घर छोड़ देंगे आज। मैंने कहा चलो सही टाइम पे मिलियो, सामने से आ रही थी हमने फटाफट देख लिया। बाकी चलो बीना आंटी मोमोज, अच्छा बीना आंटी भी यहाँ के मोमोज पसंद करती है, बाकी मोमोज ले रही है, फिर जीजू घर छोड़ देंगे। हम लोग तो पहुंच गए, बाकी मैंने पहना है माउस कलर। अरे इसके कलर को क्या बोलेंगे? व्हाइट कलर। नो नो कबूतरी व्हाइट कुछ भी। मम्मी जी से जा रहे हैं। हाँ वो छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी भाई अभी तो आए हैं, मैंने कहा वो जा रहे हैं। मैंने इसे हीना के साथ, मैंने कहा वो अपने भाई के साथ आएगी, उसका भाई भी 5 फुट पीछे चलेगा, उसका कोई चक्कर नहीं है। बाकी गाइस जिससे मिलने आए हैं हीना, जिससे मिलने आया वो हमें नहीं मिला, हम चारों आपस में मिलके घूम रहे हैं। अरे नहीं तुम इतना चांदी। सो गाइस हम लोग आ गए, बाकी जिनसे मिलना था उनसे मैं आपको बता दी, बहुत देर से वेट के बाद अपना घूम फिर के फाइनली हम आ चुके हैं। मुझे आप इस कैनल के लिए अभी तो मैं अभी क्रीम बेचने लगे मिलने जा रहे हैं आप मुझे गाइस। वो रात को फेशियल, ओए मेरे भाई ने पूरा ब्लॉग बनाया गाइस, मेरे भाई ने मेरे भाई की वीडियो देख के ये दोनों कह रहा है हमारा कर दे। अगर मेरे भाई की गर्दन इतनी काली थी ना, उसकी गर्दन इतनी गोरी हो गई यार, हम कह रहे, मैंने कहा यार किसी पे रिजल्ट आया ना भाई तेरे ऊपर इसका है। बाकी गाइस क्रीम वाली लड़की वो यही है और यहाँ पे भी इनफैक्ट अपनी क्रीम ही बेच रही है। मेरी बात सुन लो, कोई भी प्रमोशन के लिए मतलब स्किन केयर के लिए मैं फिर ना करें क्योंकि इन दोनों बहनों से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। बाकी गाइस चलो मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग मॉल में आके बैठे हुए अंदर वेट कर रहे हैं अपना ऑर्डर, वैसे हमें कर रहा था कुछ खाने पीने के लिए बट गाइस यहाँ पे कोई भी कैश ही नहीं ले रहा, इनफैक्ट कैश तो छोड़ो स्कैनर भी नहीं ले रहे, तो हम लोगों के पास कार्ड है नहीं, बेचारी हीना का कार्ड हमें यूज करना पड़ रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं बाहर। यहाँ से बस थोड़ा बहुत जो हमने ऑर्डर करा है वो खा पी के बैठ जाएंगे बाहर। मैंने कहा इससे अच्छा हम लोग बाहर घूम पाते हैं। बाकी ये तीनों अपनी चिड़िया कर लिए गाइस इधर उधर। कन्नू दीदी को अपनी नानी के घर जाना है तो वो पैकिंग करनी है, और मिट्टू दीदी को यही कहीं है नानी के घर, शायद नानी के घर, सब सब नानी के घर चले गए। ठीक है गाइस और बाकी हम लोग मिलते हैं। और गाइस मेरा भी कल ट्रेन है, फिर मैं हीना के भाई है गाइस तो 6 बजे और सुबह की शाम। हीना अकेले नहीं आती ना गाइस, तो ये अपने भाई को अपने हर टाइम अपने भाई को परेशान करती है जहाँ भी लाने के लिए। बाकी चलो हम लोग मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। ओके गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है यहाँ पे इसी के साथ, और अरे तूने साथ लिए, मैंने तो अकेले लगाई ये प्यार होता है, अपना ही सोचा बस नहीं मेरे, तुम लोग दूर बैठे हो ना, नहीं दो ही ली मैंने यार, ठंडा है ना बहुत ज्यादा, मैं नहीं पीऊंगी बहन। बाकी चलो गाइस खाते पीते हैं फिर मिलते हैं। गला साफ नहीं है क्या हो गया? हार्पिक डालो आना। सब हम लोग निकल रहे हैं मॉल से और बाकी चलो चलते हैं बाहर, क्या करते हैं क्या नहीं।
इतनी देर से खा पी के फ्री है बट वीडियोस बना रहे थे तो इतना लेट हो गया, बट बोरे सब लोग सब। हमने बाहर आते ही इतनी भीड़ में घुस के मैं गई थी, और गाइस मैं लेकर आई हूँ मोमोज और यहाँ पे इंजॉय करते हैं। और चांदी हमारे लिए काफी प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी लाई है, वो मैं आपको घर जाके ही दिखाऊंगी। पिंक, मैं पिंक ले लूंगी, ठीक है मैं लेवेंडर लूंगी, और ये हिना ग्रीन ही लेगी। अब मैं रुक जा, मैं खोल के यहीं पे लगाती हूँ। सब चल रहे हैं फाइनली घर, और ये चांदी हम लोगों ने कुछ गिफ्ट्स लाई हैं, जो मीन्स पहले तो वही करवा रहे थे डिलीवरी, बट लेट हो रहा था तो चांदी हमारे लिए खुद ही लेके आ गई। मैं पर्स इसलिए लाई इसको इसको बता दिया था क्या? हम दोनों घर के लिए निकल चुके हैं, पीछे हमें एक शॉप दिख गई थी तो बहुत ही प्रीटी सा। मम्मी को आने के लिए मना करती हूँ, यहाँ मेरा इतना जी खराब हो रहा है ना, गाइस हॉर्न बजा रहे, ऑटो भी नहीं मिल रहा। ऑटो के लिए आता क्या नहीं है गाइस, अभी पीछे हमें एक ड्रेस पसंद आई नोना के लिए, वो नाइट सूट था बहुत वुलन का, 600 बोला, मैं 600 में लेने लग गई। उसने बोला मैं लास्ट 550 में लेने लग गई, कह रही 400 दूंगी 400 दूंगी, वो कह रहा 450, कह रही 400 दे, उसने 400 का दिया, फिर 500 रुपए। अभी ऐसे करना आना चाहिए, बार्गेनिंग करना, ये ऐसे ही बोलते हैं पैसे। मैं नोना के कपड़ों में कभी नहीं करती, जितने आए ले लूं, नहीं तो ये पागल बनाते ना तेरा। बाकी गाइस चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, और फटाफट से ऑटो देखो, वरना तो ये मुझे पिटवाएगी चीजों से, झूठ बोल बोल के। पम्मी ऑटो नहीं मिला था, मैंने दो ऑटो से पूछा, पम्मी वो पम्मी आ रही लेने, इसने मना कर दिया, और मना करते घर वाले की ऐसे अकेले मत आओ। गाइस हम लोग निकल गए घर के लिए, और फाइनली हमें ऑटो मिल ही गया था गाइस, और जीजू को झूठ झूठ पका रही थी, और जीजू मुझे डांटते कि ऑटो नहीं मिला, तो तुम अभी बता दूंगी कि 20 ऑटो करा के जा। फिर जीजू बोली मैंने गाइस तुम लोग भटक रहे थे, कैसे हैं आप सभी? तो गाइस हम लोग आ चुके थे घर पर, और घर आने के बाद हमने फटाफट से कपड़े चेंज करे, बिकॉज गाइस आज है गुरु नानक देव जी का बर्थडे। हेलो मम्मी, तो गुरु गुरुपुरब कल है, अच्छा कल है, तो आज गुरुपुरब है, तो नगर कीर्तन होता है, और हम लोग हर साल नानक देव गुरुद्वारे आते हैं, एंड ये आप लोग देख सकते हैं। नोना एंजॉय कर रही है बाहर, देख रही है भीड़, और बाकी फिर हम लोग फटाफट से रेडी हुए। जीजू नहीं आए, हमने उन्हें काफी फोर्स किया, बट उनकी जो तबीयत खराब थी तो वो इस वजह से तबीयत खराब नहीं है, हुक्का पी रहा है वहाँ बैठ के ऑफिस में, कह रहे मेरे कह रहे बीमारी सी लग रही है, कमजोरी। अच्छा एंड गाइस आप लोग देख सकते हो, मींस ना गुरुपुरब वाले दिन ना काफी रश रहता है गुरुद्वारे पे, एंड काफी सारे लोग गाइस यहाँ पे लंगर करवाते हैं, सेवा करते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी। एंड अभी पालकी साहिब आई नहीं है, हम लोग टाइमली पहुँच गए हैं, बाकी आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और मुझे तो कपड़े भी डिसाइड नहीं हो पाए थे, समझ ही नहीं आ रहे थे, तो बस हम घुस गए। नोना को तो कैसे देख रही, एक्साइटेड हो गई, इसका मुंह देख रहा पिल्लो का, ए पिल्लो कपड़े बदल देते इसके। और बाकी मम्मी है, प्रेरणा, नोना, पुनीत, हम सारे आए हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों से। सर दर्द हो रहा है बाकी, यार दीदी दे रहा हूँ, गाना चल रहा है, बाकी चलो मिलते हैं। कितने सारे
देख है ना, तू लेगा मालूम? ये मेरा बेटा ही मालूम लेगा। यस गाइस ये देखो, और मम्मी वैसे और नोना अपना फोन में लगी हुई है, बाकी गाइस सामने रश देखो आ रहा हूं। वैसे तो अभी बहुत है बट हम गाड़ी पार्क कर ले फटाफट। पुनीत यही तो आई इमरान वाली गली, ये रोटी से छोले खिला देना इसको, इसको गुन्नू ही ले ला मैं खिलाऊंगा। सो गाइस फाइनली अब हम लोगों ने गाड़ी करी वहां पे पार्क और अब हम जा रहे हैं। और अंकल ना नोना के लिए चॉकलेट लेके आए थे, पुनीत कह रहा है ये भी छोटी बच्ची अंकल इसको भी दो। वैसे ना गाइस गुरपुरब वाले दिन वैसे मोस्टली अगर आप लोग आते हो, हाय कैसे हो, मैं भी अच्छी हूँ। गाइस इस भीड़ में हमारी मम्मी खो गई थी पर फाइनली अब मिल गई है सामने, ये रही मम्मी। मम्मी हम आपको कब से ढूंढ रही हूं पता है, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं यार। बाकी चलो चलते हैं मथा भी टेकने। गाइस पालकी साहब भी आगे चली गई है, चलो फटाफट। गाइस तो यहाँ पे हमें मिले हमारे क्यूट क्यूट से सब्सक्राइबर्स और सी माँ बेटी को देखो गाइस। बाकी अभी मैं और प्रेरणा साथ में मिलके फोटोज क्लिक करा के आए हैं हम की टर्न, और ये दोनों कैसे खा रहे थे ना। नोना को देखो गाइस, मेन फोकस नोना पे रहना चाहिए। तो गाइस अभी नगर पालिका यहाँ से निकलेगी तो ये वही वाला रश है, तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, बट अभी यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है तो जैसे जैसे आएगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो गाइस काफी पीछे है, बाकी चलो वेट करो आप लोग भी। पीछे झूले झूल रही है ये री, और गाइस आज का बहुत टाइम बाद ना मेरा खोल लो टाइम, और गाइस आज बहुत दिनों बाद ना मेरा कोन खाने का मन कर रहा था बहुत ज्यादा, तो मुझे देखिए अभी ना एक लड़का जा रहा था वो खाते हुए जा रहा था, नीचे की चॉकलेट चॉकलेट बची थी तो उसको देख के मेरा बहुत ज्यादा मन कर गया, तो मैंने पुनीत को बोला यार चाय मेरे लिए लेके आ, तो अभी ये लेके आया, बाकी खाते पीते हैं फिर मिलते हैं। गाइस देखो ये कितना प्यारा डेकोरेट हो रखा है। बाकी बस अब हम गुरुद्वारे पहुंच गए हैं, फटाफट चल रहे हैं। सामने गुरुद्वारा है गाइस, गाइस गुरपुरब पे नानक पे और गुरुद्वारे पे इतना रश होता है ना, इतना रश गाइस आप लोग मीन सच में बहुत ज्यादा, अगर आप लोग आते हो गुरुद्वारा अभी ना पेड़ के पीछे छुप रहे दिख नहीं पा रहा, वरना मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी इसकी लाइटिंग वगैरह देखो सब बहुत ब्रिटी है, बहुत सुंदर। चलिए जल्दी घुसो, होती है पाई की साइड जो मैं वैसे आपको प्रॉपर व्लॉग में नहीं दिखा पाई, बट ये पूरा नानक प्याऊ मीन्स शीशगंज गुरुद्वारे से होते हुए, पुनीत शीशगंज से होते हुए नानक प्याऊ आती है ना, तो गाइस तब आती है ये, बाकी अभी फिर अंदर चली जाती है यार प्रॉपर मुझे भी नहीं पता। Thank you.
के इतनी देर में फाइनली आ चुके हैं बाहर, और अब कैंडल्स जलानी है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। बाहर आ चुके हैं। वैसे घर से तो मैं कुछ ला नहीं पाई थी बिकॉज काफी जल्दी जल्दी में आए थे, बट फिर मैंने यहाँ पे ये दो चॉकलेट के बॉक्स मुझे दिखे तो मैंने ले लिए, पर मेरे घर वाले खो गए गाइस, वो बात अलग। नहीं वो दिख गए सामने, दिख गए। बाकी चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। मैंने कहा बच्चों के लिए चॉकलेट ही ले लेती हूँ, तो ये मैंने खरीद ली। बाकी यार दिखे तो थे फिर खो गए हैं गाइस, चलो चलते हैं फिर मिलते हैं। लेट नाइट 1 बजे हम लोग मीन्स 12:30 इतनी समथिंग ही हम लोग घर वापस आए। आते ही कपड़े चेंज करे, उसके बाद कुछ कपड़े थे वो सुखाए बिकॉज गाइस मॉर्निंग तो हम लोग लेट ही सो के उठते हैं, आप लोगों को भी पता है 10-11 बज जाते हैं तब तक धूप चली जाती है, तो हमने कहा अभी सुखा देते हैं, सुबह उठेंगे भाई अपने आप सूख जाएंगे। बिकॉज गाइस पता है इतना ज़्यादा परेशान हो गया है ना मीन्स मम्मी और मैं यार, मतलब शेड्यूल ही नहीं है यार कोई, लेट नाइट तक उठे रहो 5-6 बजे तक, फिर सो, फिर नींद से 12-1 बजे उठो, फिर और अभी उषा दीदी भी मैंने आप लोगों को नहीं मैंने नहीं बताया 7-8 दिन के लिए उषा दीदी ऑफ पे हैं, उनके घर में शादी है वो वहाँ गई हैं, तो फिर काम करो उठो खाना पीना और मीन ऐसे ना सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। पता नहीं गाइस कब वो टाइम आएगा जब नोना टाइमली सोना स्टार्ट करेगी। सीरियसली हम लोग ना अब कभी कभी मैनेज कर लेते हैं, कभी कभी बहुत 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 परेशान हो जाते हैं। मीन्स नोना का ना सोने का शेड्यूल ना हम लोगों का रूटीन बहुत ख़राब कर रहा है। हे भगवान क्या करे, कुछ तो नोना को कुछ तो करो नोना को जो वो सोने लग जाए टाइमली। बाकी हम लोग घर आ गए और यार मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना, पता है इतना मन करता है कि रेस्ट करूँ, लेटूँ उठूँ बैठूँ नहीं कुछ नहीं करूँ, पर गाइस नहीं मैं लेट भी नहीं सकती इनफैक्ट, क्योंकि अगर नोना उठे उसे मेरे साथ खेलना है ना तो मुझे लेटने भी नहीं देगी, मम्मा उठो मम्मा उठो मम्मा उठो, तो बस यार बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। बट कोई बात नहीं, बड़ी हो रही है धीरे धीरे सुधर जाएगी, और बाकी लाड प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं तो मे बी वही वाला सीन है, पूरा इतना बड़ा कुनबा हमारा नोना पे जान छिड़कता है तो उसकी वजह से वो लाड प्यार में बिगड़ती जा रही है। बट चलो कोई नहीं, घर आ चुके हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। एंड गाइस जैसे मुझे रस्ते में पता लगा कि सेलिब्रेट आज हुआ है, बट गुरुपुरब मेन जो होता है वो कल है, आज मीन्स आज सब लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं बट जो गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है वो कल ही होता है। मैंने कहा ओके चलो भाई, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, तो कुछ कुछ न्यू बातें जानने को मिलती रहती है। बाकी करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। एंड लाइक शेयर कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, लव यू गाइज, बहुत थकी हुई मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय, टेक केयर।